बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पंजाब गल्ला मंडी से आज के ताज़ा तरीन रेट के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे गंदम के जो हवाले से बात चल रही है कि हुकूमत पंजाब गंदम नहीं खरीदना चाहती, किसानों के लिए जो है कोई अच्छी खबर नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि गल्ला मंडी रेट्स और फसलों के मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर बात करें गंदम के हवाले से तो हुकूमत पंजाब ने ये ऐलान किया है कि वो मिलों के जरिए जो है गंदम की खरीदारी करेंगे और मिलें 3900 रुपये में किसान से गंदम खरीदेंगे और अपने अकाउंट से किसान को जो है वो पेमेंट करेंगी। हुकूमत के पास वाफर ज़खायर पहले ही मौजूद है गंदम का। दूसरा ये हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास जो मुल्की खजाने में वो इतना ज़्यादा बजट नहीं है। अभी देखिए खबरें चल रही हैं, अगर ये सच हो जाती तो किसानों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। गंदम का रेट इस तरह गिर सकता है, गंदम का रेट मजीद नीचे आ सकता है, मतलब 3900 से भी नीचे आ सकता है। तो अल्लाह करे ये खबर एंड पे जाके गलत ही साबित हो जाए। जो ये हुकूमत पॉलिसी बना रही है इस पर अमल दरामद ना हो, अगर हो गया तो गंदम के कोई हालात अच्छे नहीं लग रहे। अगर मौजूदा गंदम का रेट की बात करें तो गंदम का नई गंदम का रेट 4500 से लेकर 4300 रुपये और पुरानी गंदम 4600 से लेकर 4700 में सेल आउट हो रही है। मकई की अगर बात करें तो काड़ा गल्ला मंडी में आज टॉप रेट 2370 से 75 रुपये रहा और एवरेज रेट की अगर बात करें नई मकई जो है 2270 से लेकर 2320 रुपये 30 रुपये तक सेल आउट हुई। और पुरानी मकई की अगर बात करें तो 2200 से लेकर 2300 रुपये उसका टॉप रेट रहा। आरव वाला गल्ला मंडी में 2200 से लेकर 2275 रुपये तक और टॉप रेट 2300 रुपये तक आरव वाला गल्ला मंडी में आज रहा है। इसी तरह अगर तेल तिली की बात करें तो 18000 से लेकर 18700 रुपये तक उसका टॉप रेट रहा। बाजरा की अगर बात करें तो 2600 से लेकर 2850 रुपये आज का टॉप रेट रहा। लाल ज्वार की अगर बात करें तो लाल ज्वार का जो टॉप रेट है वो 5000 से लेकर 5550 रुपये। मुंजी मार्केट के हवाले से बात करें तो मुंजी में थोड़ी हलचल जारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो कैश के प्रॉब्लम थे या जो मिलर घबरा रहे थे मार्केट में दोबारा आने से, क्योंकि हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, अब हालात ठीक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मुंजी की मार्केट में बेहतरी के चांसेस बन रहे हैं। अगर आज टॉप रेट की बात करें तो सुप्रीम मुंजी 4500 से लेकर 4750 रुपये, 1509 5000 से लेकर 5400 रुपये। और इसी तरह अगर बात करें कैनात 11 की तो उसका टॉप रेट 5680 रुपये तक और एवरेज रेट की अगर बात करें तो 5300 से लेकर 5450 रुपये। सुपर कर्नल मुंजी की अगर बात करें तो सुपर कर्नल मुंजी का जो टॉप रेट है वो 5000 से लेकर 5270 रुपये तक रहा। दोस्तों, इसी तरह सरसों के हवाले से बात करें, सरसों के मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। अगर गिले माल की बात करें तो 7000 से लेकर 7300 रुपये और अच्छे VIP खुशक माल की बात करें तो 7400 से लेकर 7650 रुपये। हाइब्रिड सरसों की अगर बात करें तो 7800 से लेकर 8575 रुपये तक भी सेल आउट हुई और 8600 में भी सौदे हुए, जो हाइब्रिड सरसों, पीली सरसों जिसको या कनोला भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।